कलांगपू कन्वेंशन हॉल तवांग में आज जिला परिषद चेयरपर्सन और ग्राम पंचायत चेयरपर्सन का चुनाव और शपथ ग्रहण समारोह किया गया। इस चुनाव और शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस साल के पहले महापंचायत सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, लुमला के विधायक एवं प्लानिंग आरडब्ल्यूडी के एडवाइजर जम्बे टाशी, तवांग के विधायक एवं माइनिंग और स्किल डेवलपमेंट के एडवाइजर सिंह टाशी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक आध्यात्मिक एंड सोशल अफेयर्स के चेयरमैन जम्बे वांगदी, मंजूश्री विद्यापीठ के फाउंडर डायरेक्टर पद्मश्री लामा थुतन फुनचोक, एमएमटी के प्रेसिडेंट रिंजिन दोर्जी, 190 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर वी जगदात, अरुणाचल पुलिस के डीआईजी मधुर वर्मा और तवांग के बीजेपी प्रेसिडेंट संगे छडुप शामिल हुए। इस सम्मेलन में सबसे पहले लुमला के विधायक जम्बे टाशी ने लुमला क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत मेंबर्स को इलेक्शन सर्टिफिकेट, शॉल और खदा पहनाकर सम्मान किया। उसके बाद तवांग कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक सिंह टाशी ने सभी नए ग्राम पंचायत मेंबर्स को खदा, शॉल और इलेक्शन सर्टिफिकेट के साथ सम्मान किया और मोक्तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वरिष्ठ नेता टाशी ने सभी नए ग्राम पंचायत मेंबर्स को सम्मान किया। अपने भाषण में विधायक लुमला जम्बे टाशी ने भोती भाषा सीखने और अपने अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए सभी से आग्रह किया और अपने कई सारे विचार आज इस सम्मेलन में व्यक्त किए। तवांग के विधायक सिंह टाशी ने अपने भाषण में सभी नए ग्राम पंचायत मेंबर्स, जिला परिषद मेंबर्स से यह अपील की कि केवल नाम के लिए नहीं लेकिन सबके विकास के लिए सभी ग्राम पंचायत मेंबर्स और सभी नए ZPMs को काम करना है और अपने कई सारे सोच विचार उन्होंने आज इस सम्मेलन में व्यक्त किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस सम्मेलन में सभी को संबोधित करते हुए बताया कि क्वालिटी एजुकेशन पे जोर डालना आज बहुत ही जरूरी हो गया है और यह कार्य केवल स्टूडेंट्स का ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी इस कार्य में आगे आना है। उन्होंने बताया कि आज हर जगह कॉम्पिटिशन की बदौलत ही नौकरियाँ पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस कार्य में पूरी तरह से सतर्क और सख्त है। उन्होंने जंगली जानवरों के शिकार करने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने को डीसी और एसपी से कहा। साथ ही कहा कि अगर किसी के पास लोकल मेड बंदूक है तो उसे नष्ट कर दे, वरना अगर कोई इस तरह के लोकल मेड बंदूक के साथ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड वैक्सीन डोज के ऊपर उन्होंने यह खुशखबरी दी कि अब कोविड वैक्सीन का जो डोज है वो अरुणाचल के सभी जिला में अपने अपने निर्धारित स्टोर में पहुंच चुकी है और पहले चरण में यह डोज स्वास्थ्य कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स और जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उनको 16 जनवरी यानी कल या पहला चरण में जो टीकाकरण है वो इन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। आत्मनिर्भर तवांग होने के लिए उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अरुणाचल के अन्य जिलों के तुलना में तवांग एक ऐसा जिला है जहां पर अच्छी खेतीबाड़ी नहीं होती और ज़मीन की बहुत ही यहां पर कमी है और ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिससे तवांग अपने आप आत्मनिर्भर हो सके। तो रोजगारी, कॉन्ट्रैक्ट और आत्मनिर्भर तवांग होने के लिए तवांग के सभी लोग हाइड्रोपावर के निर्माण में अच्छी तरह विचार करें। उन्होंने कहा कि वे किसी को हाइड्रोपावर निर्माण करने के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन इस विषय में एक बार विचार करना बहुत ही जरूरी है। आज तवांग के नए जिला परिषद चेयरपर्सन लेकी गोम्बू से हमारे संवाददाता ताशी दंदुप ने बातचीत की और आप सबके लिए ये रिपोर्ट। तो सबसे पहले तवांग न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी न्यूली इलेक्टेड चेयरपर्सन हुआ है। तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तवांग के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि इस पद के लिए मुझे उसने जिम्मेदार दिया है। तो इसलिए मैं सभी जिला के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ओके थैंक यू सर। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर अभी आप न्यूली अभी आप चेयरपर्सन बना है तो आप अभी आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मेरा सबसे पहला एम है कि मैं सबसे ग्रास रूट लेवल में जाके काम करूँ, सबसे गरीब से गरीब, जहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर वाटर टैंक नहीं है, जहाँ पर सी सी स्टेप नहीं, जहाँ पर ड्रेन नहीं है, तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा। लेकिन मुझे इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, माननीय विधायक श्री जम्बे टाशी जी, माननीय विधायक श्री छिंगटाश जी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए उन लोग से ये आशा करता हूँ कि मैं वो लोग मुझे साथ दें और मैं ग्रास रूट लेवल तक जाके काम कर सकूँ। तो थैंक यू सर, मैं बाद में आपको हम लोग का स्टूडियो में बुलाना चाहूँगा, तो आज ज़्यादा नहीं पूछूंगा सर क्योंकि आप आज थोड़ा बिजी होंगे, तो हम लोग का तवांग न्यूज़ को आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एक बहुत ही खास दिवस है, आज आर्मी डे है और इस आर्मी डे पर हम उन तमाम देश के वीर जवानों को सलाम करते हैं जो हमारे सुख शांति और सुरक्षा के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर सिर्फ हमारे लिए रहते हैं। आर्मी डे जो कि 15 जनवरी 1949 को अंग्रेजों से पहली दफ़ा कमांडर इन चीफ का ओहदा भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोडनदेरा एम करियप्पा ने लिया था, तो इसी दिन से यह आर्मी डे हर 15 जनवरी को मनाया जाता है। आज इस खास दिवस पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भारत के एक वीर सिपाही मेजर बॉब खातिंग को। मेजर बॉब खातिंग जिनका जन्म सन 1912 में मणिपुर के एक उखरुल नागा परिवार में हुआ था। मेजर बॉब खातिंग एक सिपाही, एक अधिकारी और एक नेता थे। उन्होंने ही हम तवांग और मोन वासियों को तिब्बत राज से आज़ाद किया था। शिमला एकॉर्ड और मैकमोहन लाइन के बारे में उन्होंने तिब्बत के सोना जंग में जाकर बताया और उनके बताने के बाद ही तिब्बत शासन से तवांग भारत का एक अंग बना। सन 1951 को अपने साथी कैप्टन हेम बहादुर लिंबू, असम राइफल्स कैप्टन मोडियोरो आर्मी मेडिकल कॉप्स और मेजर टीसी एलन के साथ मिलकर उन्होंने तवांग को तिब्बत शासन से आज़ाद करने में अपना योगदान दिया। 26 जनवरी 1951 को पहली दफ़ा मेजर बॉब खातिंग ने ही मोन क्षेत्र के दिरांग जोंग में राष्ट्रध्वज फहराया था। उनके बहादुरी और बेहतरीन कार्य के कारण उन्हें मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मिलिट्री क्रॉस और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 12 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया। उनकी शौर्य वीरता के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो इन्हीं समाचारों के साथ आज का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक और यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।